अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तजम्मल है और आज की वीडियो हम बात करने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। अगर आप कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो भाई वेट कर लो, शायद आपके लिए कोई अच्छा स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च हो जाए और इनमें से आप देख लेना आपको कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा और आपने कौन सा नेक्स्ट फ्यूचर में स्मार्टफोन बाय करना है। तो चले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर वाले स्मार्टफोन से। हर बार मैं वीडियो के एंड पे कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, तो भाई इस बार मैं पहले बोलूँगा, भाई चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी आदमी प्रेस कर लेना। तो चले चलते हैं पहले फोन की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैमसंग से। तो भाई सैमसंग का सबसे पहले पाकिस्तान में जो फ़ोन बहुत ही लोग उसका वेट कर रहे हैं जो कि सैमसंग का गैलेक्सी A31 है, बहुत ही जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करने वाला है सैमसंग। और इस फोन में आपको मीडियाटेक का हीलियो P65 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस होने वाला है, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी, साथ में आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 6GB का वेरियंट लॉन्च होता है तो 45,000 के अराउंड होगी, अगर 4GB का वेरिएंट लॉन्च होता है तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस 40,000 के करीब हो सकती है और इसका लॉन्च पाकिस्तान में 15 जून तक हो सकता है। नेक्स्ट जो फ़ोन सैमसंग पाकिस्तान में लॉन्च कर सकता है वो सैमसंग का A21 है। ये पाकिस्तान में इस मंथ में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें आपको एक्जिनोस का 850 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं है लेकिन इसकी प्राइस पाकिस्तान में 35,000 के अराउंड होने वाली है। नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो नेक्स्ट फ़ोन आ रहा है रियलमी की तरफ से और ये रियलमी का फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है जो कि रियलमी X सीरीज़ का हो सकता है और ये रियलमी X3 या X3 प्रो जूम कुछ भी हो सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं कि पाकिस्तान में X3 या X3 सुपर जूम कौन सा मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है रियलमी, लेकिन रियलमी का एक फ्लैगशिप फ़ोन पाकिस्तान में आ रहा है। अगर X3 सुपर जूम आता है तो उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और बाकी अगर स्पेसिफिकेशन आपने देखनी है तो ऊपर मैंने आई कार्ड में आपको लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, आपको फुल इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और रियलमी का ये फ्लैगशिप फोन पाकिस्तान में 25-26 जून को लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट फोन की बात करें तो नेक्स्ट फोन आ रहा है वीवो की तरफ से और वीवो का एक नहीं बल्कि दो स्मार्टफोन आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, एक है वीवो का Y50 और दूसरा है वीवो का Y30। वीवो Y50 में आपको स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिलेगा, 1080p का डिस्प्ले है जिसमें आपको पंच होल देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 12 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा पंच होल में देखने को मिल जाएगा। और वीवो Y50 की प्राइस पाकिस्तान में 40,000 के नीचे की हो सकती है। और वीवो Y30 में आपको मीडियाटेक का हीलियो P35 का चिपसेट देखने को मिलेगा, साथ में 720p का डिस्प्ले है, पंच होल है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सेम ही आपको वैसा ही कैमरा सेटअप फ्रंट और बैक पर देखने को मिलेगा, क्वाड कैमरा सेटअप बैक पर है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और जस्ट इसमें सिर्फ कैमरा और डिस्प्ले की क्वालिटी को कम किया गया, बाकी ये सेम Y50 है और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 30,000 के नीचे होने वाली है। और ये फ़ोन भी पाकिस्तान में बहुत ही जल्द लॉन्च किए जाने वाले हैं और इसी मंथ में पाकिस्तान में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉन्च कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट फोन जो इस मंथ में लॉन्च हो रहे हैं वो Redmi की 9 सीरीज है। जैसा कि आपको पहले Redmi 8 सीरीज पाकिस्तान में देखने को मिले थे, जैसा Redmi 8C और 8A थे पाकिस्तान में, इसी तरह आपको Redmi 9 सीरीज देखने को मिलेगी पाकिस्तान में, जिसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं जिसमें Redmi 9, 9C और 9A देखने को मिल जाएंगे। Redmi 9 की बात करें तो Redmi 9 में आपको डिजाइन Redmi Note 8 Pro वाला देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको वर्टिकल 4 कैमराज देखने को मिलते थे, इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलने वाला है। और इस फोन में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। और बाकी आपको रेडमी 9A और 9C दोनों में मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेंगे और ये फोन पाकिस्तान में इसी मंथ के लास्ट पे या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में लॉन्च किए जा सकते हैं और इनकी प्राइसेस बाकी पाकिस्तान में 30,000 के नीचे की हो सकती हैं। नेक्स्ट फोन की बात करें तो नेक्स्ट फोन ओप्पो की तरफ से आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान में दो आ रहे हैं ओप्पो के, एक फ्लैगशिप लेवल का होने वाला है, एक उनका F सीरीज़ का है। F सीरीज़ में आपको ओप्पो का F15 पाकिस्तान में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो P70 का प्रोसेसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और 4025 mAh की बैटरी और 20 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 50,000 के अंडर होने वाली है। और इसी तरह दूसरा स्मार्टफोन बात करें तो जो
फ्लैगशिप लेवल का होने वाला है और ये ओप्पो का फाइंड एक्स 2 प्रो होने वाला है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 865 का फ्लैगशिप प्रोसेसर, 65 वॉट की फ्लैगशिप फास्ट चार्जिंग, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और कुछ अच्छे खासे कैमरास भी देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब होने वाली है और पाकिस्तान में बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो अपकमिंग स्मार्टफोन आ रहे हैं टेक्नो की तरफ से पाकिस्तान में और बहुत ही जल्द ये लॉन्च होने वाले हैं, ये टेक्नो स्पार्क 4 सीरीज का अपग्रेड है जो कि टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज है और टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज पाकिस्तान में बहुत ही जल्द लॉन्च हो रही है। उसका ऑफिशियल लॉन्च डेट 7 जून है और पाकिस्तान में 7 जून को लॉन्च की जा रही है। इसमें आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, टेक्नो स्पार्क 5 एयर, टेक्नो स्पार्क 5 और टेक्नो स्पार्क 5 प्रो। टेक्नो स्पार्क 5 प्रो में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें 16 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का क्यूवीजे कैमरा जो कि लो लाइट के लिए इन्फिनिक्स और टेक्नो यूज़ करते हैं, ये वो वाला कैमरा देखने को मिलता है। और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसमें 720p का डिस्प्ले है जो कि पंच होल का होने वाला है और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर माउंटेड देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि मीडियाटेक का हीलियो A22 का प्रोसेसर, एक क्वाड कोर प्रोसेसर है जो कि इस फोन में दिया गया है। रूमर्स के मुताबिक तो आपको टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज पूरी सीरीज में एक क्वाड कोर चिपसेट जो कि मीडियाटेक का हीलियो A22 है वही देखने को मिलता है। अब ये कंफर्म तभी होगा जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च किए जाएंगे 7 जून को और टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की प्राइस पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड 25,000 के नीचे की होने वाली 4GB 128GB के साथ में। और टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज में आपको जो दूसरा फोन देखने को मिलेगा वो टेक्नो स्पार्क 5 है। इसमें आपको जस्ट फर्क इतना ही दिया गया, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस दिया गया, बाकी उसमें स्पार्क 5 प्रो में 16 मेगापिक्सल का था, बाकी ये सेम स्पार्क 5 प्रो है। और इससे जो छोटा बेस वेरियंट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 5 एयर, उसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस, दूसरा क्यूवीजे कैमरा जो कि लो लाइट के लिए इस्तेमाल करता है टेक्नो और इन्फिनिक्स। और टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज पूरी में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। जैसे इसमें कैमरास का फर्क है, आपको प्रोसेसर सारों में सेम देखने को मिलेगा। प्रो में आपको 4 कैमरे जिसमें 16 मेगापिक्सल का मेन लेंस है और टेक्नो स्पार्क 5 में आपको 4 कैमरे जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस है और टेक्नो स्पार्क 5 एयर जिसमें आपको 2 कैमरे देखने को मिलते हैं जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस है। बस कैमराज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, प्रोसेसर सब कुछ वही है, आपको सेम ही सारे फ़ोन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फोन जो इन्फिनिक्स की तरफ से इस मंथ में लॉन्च किया जा सकता है वो इन्फिनिक्स के हॉट 10 प्रो है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बाकी मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर, 4GB 64GB 4GB 128GB, ये कौन सा वेरिएंट आता है इन्फिनिक्स को ही पता। और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 20-22 हज़ार के अराउंड होने वाली है और ये भी फ़ोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फोन जो इस लिस्ट पे अपकमिंग स्मार्टफोन है वो हवावे की तरफ से है और ये हवावे की P40 सीरीज़ का है और ये P40 सीरीज़ काफ़ी देर से पाकिस्तान में लॉन्च होने की कोशिश हो रही है लेकिन अब इस मंथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि P40 सीरीज़ को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। हवावे P40 सीरीज़ में आपको गूगल सर्विसेज देखने को नहीं मिलती, किरण 990 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक 5G प्रोसेसर है, 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा और एक चौथा कैमरा TOF 3D सेंसर है। और फ्रंट पर आपको 2 कैमरा देखने को मिलते हैं जिसमें 32 मेगापिक्सल का मेन लेंस और साथ में दूसरा TOF 3D सेंसर है जो कि फेस आलो के लिए यूज होता है जो कि आईफोन भी यूज करता है और आपको इस फोन में भी ऐसा कोई सिस्टम देखने को मिल जाता है और इसकी प्राइस पाकिस्तान में 1.5 लाख से ऊपर की होने वाली है। तो ये वो स्मार्टफोन है जो कि इस मंथ में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किए जा सकते हैं और काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है इस लिस्ट में वो भाई लॉकडाउन की वजह से आगे पीछे हो सकते हैं, उनके लॉन्च डेट चेंज हो सकती है। अगर आप इस वीडियो के रिलेटेड कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।